गंगा मैया की। सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड। और अभी मॉर्निंग का 6:30 हो रहा है। हम लोग अभी है हरिद्वार रेलवे स्टेशन में और सुबह सुबह इतना ठंड है ना, जैकेट पहन लिया। अभी थोड़ा सा धूप निकला, फिर भी जब उतरा था बहुत ही ज़्यादा ठंड था। और ऐसा कुछ है हरिद्वार रेलवे स्टेशन का बाहर का नज़ारा। तो अभी यहाँ से चलते हैं उतर के, और पहले तो गंगा मैया के दर्शन करने चलते हैं घाट पे। तो गाइस यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट करता हूँ, भाई ने तो कर ही लिया। हेलो ब्रदर, हो गया तेरा ब्रेकफास्ट? मेरा यार हो गया, आधा घंटा से ज़्यादा लग गया टॉयलेट में, इतना लाइन था ना पूरा रुकने। अभी भाई जा रहा है, ठीक है ठीक है, मैं अभी ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ बढ़िया से। भैया पराठा। ओह माय गॉड, फाइनली गाइस गंगा मैया की दर्शन हो चुकी है। वाओ, ओह माय गॉड, नहाना है अभी, कहाँ बढ़िया जगह होते हैं नहाने के लिए। वहाँ से ऐसे करके जाता हूँ, अभी देखता हूँ वहाँ पे कुछ कर रहा है, चलो देखता हूँ। मैंने उसमें देखा रहा नारियल जो देता है ना, फेंक के वहाँ पे उठाता है और चलो मैं वीडियो बना। तो गाइस देखिए कैसे नारियल उठाएंगे भाई साहब, वैसे दिखाना एक बार उठा। तो गाइस ये रहा गंगा माँ, गंगा मैया की दर्शन हो गई है। यार खुश नसीब हूँ, अभी बढ़िया से नहाने नहाएंगे। क्या निशाना है, खतरनाक। और सच में लोग देखिए ना, कितने सारे लोग भक्त सब। तो वैसे अभी हम लोग यहाँ पे स्नान करेंगे, और गंगा मैया जितना भी पाप है किया है मैंने सब कुछ भूल गए, माफ़ कर दीजिए मुझे, मैं आपके शरणों में आ चुका हूँ, अभी नहाता हूँ। क्या चुंबक है क्या इसका? चुंबक है ना? अच्छा अच्छा, क्या क्या मिलता है? कुछ भी आ जाता है वो किल। अच्छा अच्छा सही है। वाह, तो हो गया, अब शांति मिल गया। माइक जय गंगा मैया की, जय जय गंगा मैया की, गंगा मैया की। नहीं झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, अभी ये मुझे टीका लगा रहा है। हाँ लगाओ, बढ़िया से लगा रहा, ठीक है। बना रहा है ये वाला, अच्छा है।
तो गाइस अभी समय 10:30 हो रहा है, 10:30 बज चुका है। और ऊपर जो वो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है वो माँ मनसा देवी मंदिर है। वहाँ से सीढ़ी देख सकते हैं, यहाँ से पैदल भी जा सकता है और वहाँ से रोप वे चल रहा है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, रुकिए। हाँ वो सब देखिए, रोप वे चल रहा है। ऐसे करके जा सकते हैं माँ मनसा देवी मंदिर तक। और यहाँ से सीढ़ी से भी जा सकते हैं, पैदल जाने से सीढ़ी से भी जा सकते हैं। ये रहा गंगा रिवर। और अभी हम लोग यहाँ पे नहा धो के बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आराम करता हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ। अभी देखता हूँ क्या होता है, प्लान करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और वहाँ पे हर की पूरी ऐसे बोलते हैं। और सामने वो रहा हर की पूरी। तो गाइस अभी देखते हैं क्या करते हैं, मतलब वहीं पे रहने के लिए इंतज़ाम करने पड़ेगा। और जो भी हो, कुछ खाया भी नहीं, अभी कुछ खा लेंगे बढ़िया से। वाह कैसे तैर के ले रहे। और क्या करेगा पैसा खाने के लिए, खाएंगे बहुत सामान। क्या हो गया, पूरा ठंडा पानी है ना। आप इधर ही रहते हो। एक नारियल आ रहा है, जो वो रहा हुए। ये रहा, भागो भागो भागो, पकड़ो, मैंने बोला ही था, भागो भागो भागो, जम मारो जम मारो, लेके आओ। वाह खतरनाक है, लोग नारियल पकड़ते हैं। तो गाइस वो जो बंदा दिखाई दे रहा है वो अभी देखना क्या करेगा, मतलब घुस के नीचे से कुछ सामान वगैरह निकलता है नदी का नीचे से। पूरा चश्मा उसमें लगा लिया, डुबकी लगा दिया भाई ने इतना देरी। क्या मिलता है देखता है, खोजते रहता है पूरा पानी का अंदर। मुंह में भरा था क्या रे, खतरनाक टेक्निक है रे। और का जैसा कुछ नज़ारा है देख सकते हैं, ब्रिज का ऊपर पूरा दुकान वगैरह ये सब लगा के रखे हुए हैं दोनों तरफ। चश्मा भी मिल रहा है हमें, तो पूरा दुकान वगैरह देख सकते हैं हमें। हाँ मुझे वैसा वाला टोपी लेना है, लेकिन बाद में लेगा मैं। नहीं मुंडा कराते ऐसे ऐसे। ओके इस तरफ मतलब देख सकते हो मुंडा कराता है पूरा टकला। और ये नई घाट है, अभी हम लोग को ऊपर, चलो ऊपर से उठ के जाता हूँ अभी। यहाँ से नीचे दिखे ना कितना लोग हैं, रुकिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मतलब जो वो करते हैं पिन डन करते हैं ना, वो वाला घाट है यहाँ पे, देख सकते हैं। ओह माय गॉड, लोगों का भीड़, बाप रे बाप, सही में इतने सारे लोग कभी नहीं देखा। तो गाइस रास्ता बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, देख सकते इतना भीड़ है ना, कैसे कैसे करके आया। और अब यहाँ वेज बिरयानी मिल रही है, वो खा लेते हैं। दूध से कुछ खाया नहीं था, भूख भी लगा, अभी खा लेता हूँ। क्या क्या रहता है इसमें, क्या क्या रहता है? सोयाबीन रहता, गाजर रहता, मटर रहता और चना रहता है। ओके ओके, और एक प्लेट दे दीजिए।
ले ले। तो अभी खाते, तो गाइस अभी प्लेन में थोड़ा सा चेंज हो चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं मुजफ्फरपुर। हाँ, वहाँ पे मतलब मेरा एक दोस्त है, तो दोस्त से मिलने वहाँ से जा रहा हूँ। और ट्रेन अभी है 1:30 बजे। तो गाइस अभी दोपहर का 2 बज चुका है और हम लोग अभी हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए निकल चुके हैं। आज वहाँ पे रहेंगे ऋषिकेश में। अभी ट्रेन में उठ चुका हूँ, ज़्यादा दूरी नहीं है, ऐसे यहाँ से करीब 25-30 किलोमीटर होगा। अभी देखते हैं वहाँ पे जाके क्या होता है क्या नहीं, मिलते हैं ऋषिकेश में। तो गाइस अभी दोपहर का 2:30 बज चुका है और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। अभी यहां से बाहर निकलते हैं और मुझे एक चार्जर भी ख़रीदना पड़ेगा, तो अभी देखते हैं बाहर निकल के फिर चार्जर भी ख़रीद लूँगा। और ऐसा कुछ सराउंडिंग है, देख सकते हैं पूरा पहाड़ी लगा आ सकता है, हिल्स वो सब। तो वेलकम टू ऋषिकेश। तो गाइस अभी हम लोग हैं पुरानी चुंगी तिराहा में और यहाँ से हम लोग गंगा नदी जा रहे हैं। ऐसा कुछ रास्ता देख सकते हैं, ये रहा ऋषिकेश से ऐसा कुछ नजर आए। ओ वाह, अच्छा अच्छा, गुरुजी भी इधर ही रुका था। तो गाइस अभी ऐसे गंगा किनारे जा रहे हैं और आगे है त्रिवेणी घाट, वहाँ तक चलते हैं। वहाँ पे चल के देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, रहने का भी व्यवस्था करने पड़ेगा, मतलब चार्जिंग वर्जिंग जहाँ पे हो सके वो सब का, तभी कोई टेंशन नहीं रहेगा। अभी मतलब पावर बैंक में भी चार्ज नहीं है और मोबाइल में भी थोड़ा सा ही है, इसके लिए कोई अच्छा सा बढ़िया सा जगह खोजता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो कोई चीज़ का। तो अभी सही में गाइस बहुत ही खूबसूरत लग रही है, सपना जैसा लग रहा है मुझे, गंगा किनारे आ चुका हूँ, गंगा में स्नान किया। अभी शायद मन जाए तो और देखता हूँ, त्रिवेणी घाट में मन जाए तो और एक बार स्नान करूँगा, क्योंकि बहुत सारा पाप है, पाप धुलना है मुझे, पाप धोने के लिए आया मैं, भगवान मेरा सारा पाप धुला दे, ख़त्म कर दे और एक नई ज़िंदगी दे मेरे मुझे चलने के लिए। पाप किया था क्या? बहुत, हाँ बहुत बहुत पाप किया था मैंने, वो पाप को मतलब फिनिश करने के लिए गंगा में आया हूँ। अच्छा अच्छा, जो भी हो बहुत ही अच्छा लगा आके ना, बहुत ही बहुत ही, दिल को बहुत ही शांति मिला। तो गाइस ऐसा कुछ है त्रिवेणी घाट का नज़ारा, देख सकते हो और ये रहा। और यहाँ पे नहा सकते हैं, देख लीजिए नहा रहे हैं गंगा मैया की घाट पे चरणों में। तो गाइस अभी यहाँ से चलते हैं, मतलब रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल में चार्ज वगैरह थोड़ा भी नहीं है, मोबाइल ऑफ ही होने वाला है, उसके लिए रेलवे स्टेशन में जा रहा हूँ चार्ज देने के लिए, शायद उधर ही सो जाएगा, देखता हूँ। तो गाइस अभी शाम का 6:30 हो चुका है और सुबह मतलब दोपहर तक बहुत मस्त था, दोपहर का बात का बात से कुछ अलग ही हो गया, अभी कुछ बोल नहीं सकता, बहुत ही उल्टा पुल्टा हो गया हमारे साथ। पहले तो हम लोग इसी के साए यहाँ पे, अभी रहने के लिए जगह भी नहीं मिल चुका है, फिर चार्जिंग वगैरह कहाँ दे, कुछ पूरा प्रॉब्लम हो गया। फिर हम लोग स्टेशन में आया, अभी चार्जिंग वगैरह दिया, फिर स्टेशन से भी भगा दिया, मतलब यहाँ स्टेशन को रात में रहने नहीं देता है, तो इसके लिए अभी फिर हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं, फिर देखते हैं हरिद्वार से क्या होता है, बहुत ही मतलब आज का क्या ही बोले। तो गाइस अभी ट्रेन चल पड़ी है ऋषिकेश स्टेशन से, अभी जा रहा हूँ हरिद्वार। तो गाइस ऐसा कुछ है आज का डिनर में, देख सकते हैं रोटी है और साथ में राइस भी है और बाकी ये सब्जी दाल ये सब है, तो खा लेता हूँ अभी। तो गाइस ऐसा कुछ है हरिद्वार रेलवे स्टेशन और अभी टाइम हो रहा है रात का 8:30 बज चुका है, अभी हम लोग यहाँ पर ही है स्टेशन का बाहर बैठा हुआ है, अभी फिर हम लोग जाने वाले कहीं पे, वो ट्रेन आपका है 9:15 में है
और आज का वीडियो मैं यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।